नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। सभी जानते हैं, पर होता क्या है ना कि दिमाग से बात उतर जाती है। जब हम नई रेसिपीज़ देखते हैं तो पुरानी रेसिपीज हमसे छूट जाती हैं। आइए आज हम आपको बताएंगे कि हम स्प्राउट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, दाल की स्प्राउट्स। और आप ये देखिएगा, जब आप स्प्राउट्स बनाते हो तो इसकी ये लंबी सी ये ज़रूर निकलना चाहिए अंकुर। इसका छोटे अंकुर वाले मत लीजिए। लंबे अंकुर से क्या होता है कि इसका जो अंदर प्रोटीन होता है वो पूरा टूट चुका होता है, अमाइनो एसिड्स बन चुके होते हैं, तो ये ज़्यादा इजी होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए भी और हमारी और बेनिफिट्स के लिए भी। ये है प्याज, कटा हुआ प्याज है, हमने दो छोटे प्याज काट के रखे। और ये है टमाटर, ये धनिया पत्ती। अब आप देखिए, आप इसको कच्चे को भी इसी में प्याज टमाटर धनिया पत्ती मिक्स करके नमक और मसाले डाल के आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। पर कई लोग ऐसा है कि वो इसको खाली नहीं खाना चाहते, वो कहते हैं हम थोड़ा स्टीम करके खाएंगे। कुछ स्टीम करके खाते हैं और कुछ थोड़ा सा इसको तड़का दे के खाते हैं। ओके, ये पूरा तेल नहीं पड़ेगा। और ये हैं हमारे मसाले, कुछ भी नहीं है, हल्दी है, और ये है गरम मसाला, ये नमक है, ये धनिया जीरा पाउडर है, और ये जीरा है। साथ में पड़ेगी एक कटी हुई हरी मिर्च, वो मैं अभी काट रही हूँ। ओके, जिसको कि मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। चॉप करना, मैं ज़रा मिर्ची को काटने के लिए कैंची ही इस्तेमाल करती हूँ, इसमें हाथ में आपके वो झाल नहीं लगेगा। ओके, और इसमें मैं अब पूरा तेल मैं नहीं डाल रही हूँ, उसमें से भी बचा लूँगी, बस इतना सा ही तेल है। ये गरम हो जाएगा, इसमें फिर मैं जीरा डालूँगी। ओके, तो इस अब जीरा अपना तड़क करना है, इसका कलर चला जाए, हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, यानी एकदम से भी नहीं तलना। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा सा पिंकिश हो जाए तो हमने सिर्फ उतना ही रखना है। क्यों? क्योंकि इसका क्रंचीनेस, जो कि हमारे स्प्राउट्स में क्रंचीनेस है, उसको ये मैच करेगा। तो हमने सिर्फ उतना ही इसको पकाना है, यानी कि उसको सोटे करना है, उसको भूनना है। ओके, दाल के स्प्राउट्स, मूंग की दाल के स्प्राउट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशन बहुत होता है। और जब ये स्प्राउट्स हो जाते हैं ना, तो इसमें हॉर्मोन्स भी हो जाते हैं, तो वो हॉर्मोन्स भी हमें बेनिफिशियल है। इसके जो अमाइनो एसिड्स डेवलप होते हैं इसकी ग्रोथ में, वो भी हमें चाहिए। तो ये हमारे सब हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इससे हमारा डाइजेशन ईजी हो जाता है, नहीं तो साबुत मूंग की दाल को जब हम बना के भी खाते हैं ना, तो भी वो थोड़ा सा हेवी रहता है। इसमें क्या है, जो प्रोटीन्स जो है इसमें ग्रोथ के लिए सीड्स में, वो अच्छे से ब्रेकअप हो जाते हैं। वो खाली स्प्राउट्स खाना कई बार नहीं पसंद करते। ये देखिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, को ज़्यादा नहीं भुना है, वैसे ही हम टमाटर को भी ज़्यादा गलाएंगे नहीं, उसके पीसेस हमें दिखने चाहिए। ग्रीन मूंग की दाल, हरा धनिया और साथ में रेड कलर के टमाटर के पीसेस, वाओ, इट लुक सो नाइस। ठीक, ओवर कुक कुछ भी नहीं करना है, या दे मला के अच्छी सी ग्रेवी वो भी नहीं करनी, टमाटरों को भी नहीं गलाना हमने, बस इतना सा हो गया हमारा, दैट्स ओके, फाइन। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज यू नो कि इसका क्रंचीपन से हमें इसका क्रंचीपन मैच करना है। अब मैंने इसमें डाल दिए स्प्राउट्स, मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आएंगे ये सारे मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक और गरम मसाला। हमें मसाले ज़्यादा नहीं चाहिए, मसाले सिर्फ हमें टेस्ट के लिए चाहिए, जितनी टेस्ट की ज़रूरत है। बिकॉज हमें अपना बेनिफिट जो यूज़ करना है स्प्राउट्स का, जो हमारी मूंग की दाल के जो स्प्राउट्स है उसका बेनिफिट हमें मैक्सिमम लेना है, इसीलिए हमने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। कवर करने से इसकी स्टीम में ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, पर इसका क्रंचीनेस नहीं जाएगा। ओके, ये देखिए, इसको हम एक बार फिर से हिला लें। आपको भी दिख रहा होगा इसमें
इसके जो स्प्राउट्स हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो ज़्यादा खड़े नहीं हैं, वो नरम पड़ गए हैं। इट्स ओके, थोड़ी देर हम इसे और लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इसको और कवर अप कर देना और बस 2 मिनट के बाद इट इज़ रेडी। ये हमारा हरा धनिया, देखिए आप, आपको कलर कैसा लग रहा है इसका, ब्राइट है कि नहीं, इजंट इट टेम्पटिंग, ऐसा लग रहा है ना कि इसको मैं जल्दी से खा लूँ। चलिए मैं अभी इसकी प्लेटिंग करती हूँ और हमारा ये डिश तैयार। ओके, स्प्राउट्स की डिश तैयार है। आप इसको एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो, आप इसको एज अ साइड डिश भी रख सकते हो लंच में या डिनर में। तो मैं इसको स्नैक्स में और साइड डिश के रूप में यूज़ करती हूँ। देखिए तो इसकी स्टीम दिख रही है आपको, कितनी अच्छी लग रही है, टेम्पटिंग है कि नहीं, ऐसे लग रहा है कि बस अभी अभी मिल जाए इस ठंड के दिनों में। हमने इसमें थोड़ा सा सॉस ऐड कर दिया है क्योंकि बच्चों को सॉस पसंद है, तो उनके लिए ज़रा बनाएंगे तो थोड़ा टेम्पटिंग तो होना ही चाहिए उनके लिए, इजंट इट। चलिए अब मैं इसे कर दिया है और अब मैं देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आया है खाने पे। ओके, कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन? देखिए कितना स्टीमी है, मेरा तो मन कर रहा है एक सब एक ही बार में सब कुछ खा जाऊं। और इतना हेल्दी है स्प्राउट्स, तो वैसे इतना हेल्दी होता है, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस एक बार और मैडम मेरे लिए बनाना। मैं चेक के भी देखता हूँ कैसे बना है। मैम मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा है। मैम ये ऐसा लग रहा है जैसे क्या बताऊँ मैं, ऐसे डिश तो मैंने फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैम सच में। तो प्रदीप आपको अच्छा लगा ये? यस मैम बहुत ही। अब देख लो कितना हेल्दी है ये, आपके सामने है आपकी ये जो डिश है ना, इसकी मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊँ, इसके अंदर फाइबर भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है, विटामिन सी भरा हुआ है। आप ये देख लीजिएगा कि स्प्राउट्स में भी विटामिन सी आ जाता है, क्यों? क्योंकि उस प्लांट को भी अपनी ग्रोथ चाहिए। टमाटर डाला उसमें आपको, देखिए फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल गए आपको, विटामिन सी मिल गया आपको और चीज़ें मिल गई। प्याज है, प्याज में भी बहुत से मिनरल्स होते हैं, फाइबर तो सभी में, यानी कि आपकी ये प्लेट इज़ फुल ऑफ फाइबर। एंजॉय कर रहे हो? यस मैम, यस मैम ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, मेरा बस कर एक प्लेट और खा लूँ। मैम जो ये आपने हमें बुलाया ना, अब नेक्स्ट वीक मैं अपनी फैमिली और बच्चे को लेके आऊँगा और मुझे यही डिश बना के देना, अपनी वाइफ को भी यही खिलाऊंगा, बताऊंगा कि देखो मैम ने बनाया है, उसको भी मज़ा आएगा खाने में, वो भी मेरी तारीफ करेगी कि देखो मैम कितना अच्छा बनाती है। और साथ में साथ वो उसको भी सिखा देना, वो भी घर में ट्राई करेंगे तो हम डेली बनाया करेंगे, और मम्मी अपने पेरेंट्स को भी खिलाऊंगा, उनकी भी थोड़ी हेल्थ ठीक होगी और बच्चों को भी खिलाऊंगा। ओके मैम, थैंक यू मैम।